बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक स्विचिंग एंड स्विचिंग टेक्निक्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो टुडे वी ट्राई टू डिस्कस दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स स्विचिंग। स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर दोज इन विच डेटा ट्रांसफर्ड फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज राउटेड बिटवीन वेरियस इंटरमीडिएट नोड्स। सो बेसिकली इन स्विच नेटवर्क्स द डेटा इज मूव फ्राम द सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्राम द सेंडर टू रिसीवर यूजिंग डिफरेंट पाथ्स। दीज पाथ्स आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। नॉर्मली दीज इंटरमीडिएट नोड्स आर राउटर्स। सो जरा देखते हैं क्या है। देखिए, सपोज हमारे पास एक सेंडर है, ये डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। एक बात ये है, ठीक है। दूसरा बात ये है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। ये एक ये बात है, ये बात है, ठीक है जी। और हम यहाँ पर एक और नोट लगा लेते हैं। एक बात ये है, ठीक है जी। इसी तरह ये रिसीवर हो गया, रिसीवर साइड है। सो ये भी इनके साथ कनेक्ट हो सकता है। बीच में एक और पाथ भी आ सकता है। ये जो हमें ये नज़र दी जाता है इंटरमीडिएट नोड्स, नॉर्मली ये राउटर्स होते हैं। सो डेटा जब मूव करता है नेटवर्क में फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सो डिफरेंट इनके लिए क्या होते हैं, पाथ्स होते हैं, राउट्स होते हैं। इन राउट से होकर ये गुजरता है। इन लार्ज नेटवर्क्स देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम ए सेंडर टू रिसीवर। द स्विचिंग टेक्निक्स विल डिसाइड्स द बेस्ट राउट फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। अब देखिए, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सपोज ये पाथ अवेलेबल है, ये पाथ अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। अब स्विचिंग टेक्निक क्या करेगा, इसमें से देख लेगा कि जी जो बेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो एफिशिएंट पाथ है, जिस पे डेटा ट्रांसमिट होता है, उसको सेलेक्ट करेगा। सो विद हेल्प ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स द बेस्ट एंड एफिशिएंट पाथ इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। देर आर थ्री मेन स्विचिंग टेक्निक्स अवेलेबल फॉर डिजिटल ट्रैफिक। सपोज सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। हमारे पास तीन बड़े टाइप्स हैं। फिर इसमें जो हमारे पास पैकेट स्विचिंग है, इसके भी फर्दर फिर दो टाइप्स हैं। बहरहाल इनको ज़रा देखते हैं। सो ये इनके मेजर टाइप्स हैं स्विचिंग्स के, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है और मैसेज स्विचिंग है। डायग्रामेटिकली ज़रा देखते हैं तो हमें पाँच नज़र आएंगे। देखते ज़रा, देखिए सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कि इसमें डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। सो दीज आर एक्चुअली सब टाइप ऑफ द पैकेट स्विचिंग्स, और वी कैन से दीज आर द अप्रोचेज ऑफ द पैकेट स्विचिंग। सो इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस द सर्किट स्विचिंग। हम कोशिश करते हैं कि आज सर्किट स्विचिंग को डिस्कस करते हैं। देखिए, इट्स जनरल डायग्राम ऑफ द सर्किट स्विचिंग। अगर हम बात करते हैं, सो ये हमारे पास देखो, ये इस तरह एक पाथ गया हुआ है, ठीक है जी। एक पाथ ये है, इसी तरह देखो एक पाथ ये है, गौर से देखते जाए, ठीक है जी। ये नेक्स्ट पाथ है, एक और पाथ अगर हम देख रहे तो हमें इस तरह शायद नजर आए। तीन डिफरेंट पाथ्स डिफरेंट कलर से क्या है, डिफेक्ट किए गए, डिस्प्ले किए गए हैं। सो इन द सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश्ड। जो डेटा ट्रांसमिशन से पहले क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा जो कि डेडिकेटेड पाथ को अरेंज कर देगा। इस पाथ में डेटा ट्रांसफर होगा और जब तक ये कनेक्शन रहेगा, डेटा ट्रांसमिट हो रहेगा। और इसकी ख़ास बात यह कि अगर डेटा इस पर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ये पाथ कनेक्टेड है,
याद रखिए ये एम्प्टी रहेगा, वैसे रहेगा, कोई और इस पर डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। सपोज यहाँ से जो डेटा जा रहे हैं ना, इस पाथ पे डेटा ये ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है जी। अब ये चीज अगर अवेलेबल है, फायर है, लेकिन कनेक्शन स्टेब्लिश है, तो कोई और इस पर डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसकी बड़ी बड़ी बातें मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर दी हुई है, अगर इसको देखते हैं। सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग इज ए स्विचिंग टेक्निक दैट एस्टेब्लिशेस ए डेडिकेटेड पार्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सो सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट होने से पहले एक डेडिकेटेड, एक स्पेशल पाथ क्या होगा, कनेक्ट क्रिएट होगा सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन के दरमियान क्या होगा, एक स्पेशल पाथ क्रिएट होगा। याद रखिए जब तक पाथ क्रिएट नहीं होता, कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होता, डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, कनेक्शन क्रिएट होगा। इन द सर्किट स्विचिंग वंस द कनेक्शन एस्टेब्लिश देन द डेडिकेटेड पाथ विल रिमेन टू एग्जिस्ट अंटिल कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। जब एक दफा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, सो जो डेडिकेटेड पाथ है, जो स्पेशल पाथ है, स्पेसिफिक पाथ है, वो उस वक्त तक रहेगा, उस वक्त तक डेटा की ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल होगा जब तक कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होता। यानी यहाँ पर तीन बड़ी बातें अगर हम गौर से देखते हैं, एक है क्या, कनेक्शन का एस्टेब्लिश होना, ठीक है जी, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा सबसे पहले, फिर इसके बाद डेटा ट्रांसमिशन होगा। डेटा जब ट्रांसमिशन हो जाता है तब क्या होगा, कनेक्शन क्लोज होता है। सो तीन इस पॉइंट हमें माइंड में रखनी चाहिए। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू क्रिएट ए कनेक्शन फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान क्या करना, कनेक्शन बनाना, क्योंकि कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा, याद रखिए डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, इसके बाद डेटा की ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। डेटा जब ट्रांसमिट होगा और जब ख़त्म हो जाते हैं तब कनेक्शन क्या होगा, क्लोज होगा। तो जब तक कनेक्शन क्लोज नहीं होता ये पाथ अवेलेबल रहेगा। सर्किट स्विचिंग एन नेटवर्क ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे एज द टेलीफोन नेटवर्क्स। तो जरा क्लियर कर देता हूँ, सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट होता है तकरीबन जिस तरह टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता है, सबसे पहले आपकी कॉल जाती है, ठीक है जी, आप कॉल मिलाते हो, ये कॉल इनके साथ कनेक्शन क्रिएट करती है, कनेक्शन क्रिएट होने के बाद फिर आप डिस्कशन करते हो, और जब तक तो कनेक्शन वो सेशन रहेगा आप डिस्कशन कर सकते हो। ए कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कम्युनिकेशन से पहले क्या होगा, एंड टू एंड पाथ होना चाहिए, इन सोर्स टू डेस्टिनेशन आपकी पाथ अवेलेबल होना चाहिए। In case of circuit switching technique, when any user wants to send the data, voice, video, a request signal is sent to the receiver. So, देखिए जब भी कोई यूजर क्या करना चाहता है, डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, डेटा सेंड करना चाहते हैं, वो डेटा आपके पास वीडियो हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वट एवर, तो सबसे पहले क्या होगा, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा, किसकी तरफ से, सेंडर से रिसीवर की तरफ से। सो ए रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंड टू द रिसीवर, रिसीवर की तरफ जाएगा, देन द रिसीवर सेंड बैक द एक्नॉलेजमेंट टू द इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेडिकेटेड पाथ। रिसीवर क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा कि जी पाथ अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब पाथ अवेलेबल नहीं होगा, पाथ में क्लियर नहीं होगा, तो डेटा ट्रांसमिशन नहीं होती। सो रिसीवर क्या करते हैं, उसको पाथ की एक्नॉलेजमेंट कर देता है कि जी पाथ अवेलेबल है। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, देखिए ये सेंडर, ये रिसीवर, ठीक है जी, सेंडर ने इसको क्या कर दिया, एक रिक्वेस्ट सेंड कर दिया सिग्नल का जी पाथ के बारे में, रिसीवर ने इसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि जी पाथ है, ठीक है जी। जब इसको ये एक्नॉलेजमेंट मिल गया, डेडिकेटेड पाथ ट्रांसफर्स द डेटा, इसके बाद फिर क्या होगी, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यार ये सर्किट स्विचिंग इज यूज इन द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स, इट इज यूज फॉर द वॉइस ट्रांसमिशन। फिक्स डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट अ टाइम इन अ सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। सो ज्यादातर अगर हम सर्किट स्विचिंग को देखते हैं तो कहाँ पर यूज हो रहे हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज हो रहे हैं, जो हम टेलीफोन नेटवर्क यूज कर रहे हैं इसमें इसका
काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और फिक्स डेटा इसमें ट्रांसफ़र होता है, फिक्स डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। और ज़्यादातर जो इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो टाइप क्या है, वो है हमारे पास वॉइस ट्रांसमिशन है। और एक ही वक्त में एक ही साइड टाइम स्पेसिफिक टाइम में इसको डेटा की एलोकेशन की जाती है और डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सो नॉर्मल टेक्निक्स है, आम है, कॉमन है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जो हम यूज़ करते हैं टेलीफोन नेटवर्क यूज़ करते हैं, इसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल है। कम्युनिकेशन थ्रू सर्किट स्विचिंग हैज थ्री फेजेस। इसके थ्री फेजेस हैं क्या? एक, सबसे पहले क्या, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, सर्किट को एस्टेब्लिश करना, मीन कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। इसके बाद क्या करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना, और डेटा की ट्रांसमिशन जब ख़त्म हो जाती है तो सर्किट को या कनेक्शन को क्लोज करना। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्किट या कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, क्रिएट होगा। इसके बाद क्या होगा, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके बाद फाइनल स्टेप क्या है, सर्किट को या कनेक्शन को क्लोज करना या डिसकनेक्ट करना। देखिए हम गौर से देखें, इसके कोड डायग्राम हमारे सामने आ रहा है। आसान से डायग्राम में ये हमारे पास एक नोड, एक सेंडर है ए, ये डेटा सेंड करना चाहते हैं किसको, बी को। सो इसके पास देखो अवेलेबल पाथ ये है, एक पाथ ये है, ठीक है जी। दूसरा पाथ ये है, अगर हम गौर से देखते जाए ये दूसरा पाथ है, तीसरा पाथ इनके पास, अगर हम ऑप्शंस में जाते, अच्छा यहाँ से आ जाए, यानी इस तरह जाए, ठीक है जी, इस तरह ले जाए, अगर हम ऑप्शंस पे ले जाते हैं इस तरह जाए, ठीक है जी। सो अगर हम ऑप्शंस पे ले जाते हैं तो इस तरह जाए, एंड सो ऑन। सो डिफरेंट पाथ्स यहाँ पर अवेलेबल है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसने पाथ सेलेक्ट कर दिया, अब उस पाथ पे सारा डेटा जाएगा। ये नहीं कि जी ये पाथ क्रिएट हो गया ना, इस पाथ पे देखो मैसेज वन चला गया, अब इस तरह नहीं होगा कि जी इस पाथ पे मैसेज टू जाएगा, नहीं जी, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी इसी पाथ पर होगी, क्योंकि ये इस, ये इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। अच्छा, अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, ठीक है जी, इस पाथ को कोई और यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, किसी और की डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं हो सकती है। हाँ, उस पर उस वक्त भी नहीं हो सकती जब ये पाथ कनेक्टेड है, इस्टेब्लिश है, और डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन फिलहाल ए नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जी कोई और नोड हो गया, कोई और सिस्टम हो गया, इसको यूज़ कर सकते, नहीं। जब तक ये पाथ है ये इसके कंट्रोल में रहेगा, और जो ही कनेक्शन क्लोज हो गया तब इसके बाद ये पाथ रिलीज हो जाएगा, कोई और इनको यूज़ कर सकेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, द कम्युनिकेशन चैनल वंस एस्टेब्लिश्ड इज डेडिकेटेड। इसमें जो पाथ बनता है क्या, डेडिकेटेड होता है, ठीक है जी। मतलब है कि जी उसको कोई उस दौरान कोई और स्पीसी या कोई और स्टेशंस या कोई और डिवाइसेस पे डेटा को ट्रांसमिशन करने की इजाज़त नहीं होती। नो प्रॉब्लम ऑफ कंडीशंस, कोई नेटवर्क कंडीशंस नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं होता है कि जी नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया, नेटवर्क लोडेड हो गया, नहीं, इस तरह नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस की क्या है, पॉसिबल लॉन्ग वेट टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। याद रखिए जब कनेक्शन बनता है तो उस पर टाइम लगता है, कनेक्शन के एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, नॉर्मली 10 सेकंड्स आर मोर, 10 सेकंड या इससे ज़्यादा। लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कॉल्स, जब आप इंटरनेशनल कॉल में लाते हो तो 10 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में लगते हैं, ड्यूरिंग विच नो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। जब कनेक्शन बन रहे हैं तो उस दौरान कोई डेटा की ट्रांसमिशन नहीं होती है। मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर स्विचिंग टेक्निक्स बिकॉज ए डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कनेक्शन। अगर हम कंपेयर करते हैं इस टेक्निक को दूसरे के साथ तो ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर लाइन्स के लिए, हर ट्रांसमिशन के डेडिकेटेड पाथ बनता है। जब भी हम डेडिकेटेड पाथ की बात करते हैं तो याद रखें जाहिर सी बात है वो डिवाइसेस पर एक्सपेंसिव होते हैं। इन दिस केस द कनेक्शन इज डेडिकेटेड, देयरफॉर नो अदर डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इवन इफ द चैनल इज फ्री। ये स्विचिंग की अगर हम बात करते हैं, सर्किट स्विचिंग की, इसमें जब पाथ क्रिएट हो जाता है, डेडिकेटेड बन जाता है, इन स्पेसिफिक रिजर्व हो जाता है, सपोज एक ए से डेटा जा रहा है किसके लिए, बी के लिए, ठीक है जी। अब ये कनेक्शन बना हुआ है लेकिन इस दौरान ए बी को डेटा नहीं भेज रहे,
तो याद रखिए कोई और भी इसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है जी। मतलब ये फ्री है ना, फ्री इस देंस किसी डेटा नहीं जा रहे, लेकिन कनेक्शन बने हुए ए और बी के दरमियान, और इस दौरान ये आपस में ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, तो कोई और डिवाइस इस बात को यूज़ नहीं कर सकते। सो यह था हमारा आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशंस, कोई क्यूरी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।